अगर हमें वफादार नहीं रहे तो इन्ना लिल्लाह बोलो प्रभु। हम लोग वफादार हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हमरा रवे मंजिल है हमी काफिले सालार, हमरा रवे मंजिल है हमी काफिले सालार, आजादी की आवाज उठाई थी हमी ने, आजादी की आवाज उठाई थी हमीने, और रेशमी तहरीक चलाई थी हमीने, और रेशमी तहरीक चलाई थी हमीने, सच पूछो तो हम लोग हैं इस मुल्क के मेहमान, सच पूछो तो हम लोग हैं इस मुल्क के मेहमान, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। ये अशआर सुने, हमें झूठ काम ही नहीं बोलते तो फिर अशआर में कहां झूठ बोलते हैं, समझ में आया? झूठ बोलते तो इस वक्त वाकईतन हमें भी पार्लियामेंट में होते, सच बोल रहे हैं इसलिए मस्जिदों में है।
सच बोल रहे हैं इसलिए मदरसों में है, सच बोल रहे हैं इसलिए गालियां सुन रहे हैं, सच बोल रहे हैं इसलिए हम पर इल्जाम लगाया जाता है। झूठ से इस्लाम का, झूठ से मुसलमानों का, खुदा की कसम न पहले ताल्लुक था, ना अब है ना आएगा। एक एक बात सही, क्योंकि हमको झूठ बोलकर दुनिया में कुछ लेना नहीं है, सच बोलकर आखिरत में अल्लाह से लेना है। झूठ बोलकर दुनिया में हमको कुछ भी लेना नहीं किसी से, सच बोलकर अल्लाह तबारक व ताला के पास आखिरत में लेना है। इसलिए बयान करें हम तो सच करते हैं, अशार पढ़ते हैं तो सच पढ़ते हैं, तारीख बोलते हैं तो सच बोलते हैं, बात करते हैं तो सच करते हैं। इसलिए हमारी बातों पर शक करने वाला, हमारी तारीख पर शक करने वाला, हमारे अशआर पे शक करने वाला, या तो वो तारीख से और हकीकत से और इस्लाम से और मुसलमान से नावाकिफ होगा, या नहीं तो अकल का अंधा होगा। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, अंग्रेज से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, अंग्रेज से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, आजादी भारत के लिए जान गवाई, अंग्रेज से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, आजादी भारत के लिए जान गवाई, सीनों पे हमी गोलों, सीनों पे हमी लोगों ने गोली भी तो खाई, अरे मारी का देता है गवाही मेरे भाई, मत भूलो ये है वाकिया ना काबिल इनकार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग बोले तो तुम्हें समझ जाना, तुम्हें क्या करे मुल्क के लिए बोलकर, उसके कई जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि हमें क्या नहीं करे मुल्क के लिए, सवाल होता है, इल्जाम लगाते हैं हमें क्या करे मुल्क के लिए, जवाब ये है हमें क्या नहीं करे मुल्क के लिए। उसी जवाब को खोल कर अगर कहा जाए तो इन अशारों में सुनते जाइए, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, सद पारे दामान वतन किसने सिया है, जरा प्यूर कुछ जरा प्यूर उर्दू है, कोशिश करो समझ में आ जाता, सद पारे दामान वतन किसने सिया है, मीनारो कुतुब का ये बता किसने दिया है, तामीर हसी ताज महल किसने किया है, तामीर हसी ताज महल किसने किया है, ये लाल किला हमने दिया, हमने दिया है, ये लाल किला हमने दिया, हमने दिया है, शाहिद है हमारे कहीं
मस्जिद कई मीनार, हम लोग मुसलमान है भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान है भारत के वफादार। हिंदुस्तान का तराना भी सबसे बेहतरीन हमने पढ़ा, और आजकल तो इतने तराने और नज्में आजादी के मौके पर पढ़ी और लिखी जा रही हैं, यूट्यूब भी परेशान है। अल्लाह का करम है, दारुल उलूम देवबंद के दरो दीवार से लेकर मदरसे मिफ्ताहुल उलूम मिफ्ताहुल कुरान के दायरे और इहाते तक खसम अल्लाह की छुपी हुई बात नहीं, आस्था की बात नहीं, अकीदत की बात नहीं, झूठ का तो सवाल पैदा नहीं होता। उठाकर देखे कल ही से गीतों का जो सिलसिला शुरू हुआ, नज्मों का जो सिलसिला शुरू हुआ, तरानों का जो सिलसिला शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क के मुसलमान छोटे बच्चे जो बोलना जानते और सीखे हैं और पढ़ना और पढ़ने का अंदाज आता है उस उम्र से।